बाड़मेर शहर का ये बूथ संख्या है 2324। तो दो जो है यहाँ बूथ है और ये जोगियों की दड़ी राजकीय विद्यालय है, इसके अंदर दो बूथ बने हुए हैं। बूथों पर सुबह से लंबी लंबी लाइनें ही देखने को नहीं मिल रही है। पार्टी के वर्कर्स जो है वो भी अपने काम में जुटे हुए हैं। एक पार्टी का कार्यालय इस ओर है तो दूसरी पार्टी का कार्यालय सामने है। वोटर जो है वो बड़ी सद्भावना के साथ प्रेम पूर्वक अपने अपने प्रत्याशी को मतदान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दोनों पार्टियों का कार्यालय आमने सामने है और दोनों पार्टियों के जो वर्कर्स हैं वो सुबह सुबह काम में लगे हुए हैं। मतदाता जो सूचियां हैं उन सूचियों और जो ईवीएम मशीन जो है इनके बनाई हुई है कि अपने प्रत्याशी का कितने जो उनका नाम है कितने नंबर पर है और कैसे अपने प्रत्याशी को मतदान करना है। दूसरी और दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी का भी कार्यालय है और वहाँ भी ऐसे ऐसे वर्कर्स बैठे हैं, पार्टी कार्यकर्ता बैठे हैं जो आने वाले लोगों को अपना नाम और भाग संख्या और कितने क्रमांक पर मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज है ये सूचियाँ जारी कर रहे हैं। और थोड़ी दूर ही जोगियों की दड़ी का मतदान केंद्र है 123 और 124। आज हालांकि सुबह सुबह ठंड थी लेकिन जो राजनीतिक पारा है वो राजनीतिक जो गर्मी है उसने थार के अंदर गर्म मौसम ला लिया। सर्द हवाओं पर गर्म हवाएं भारी हो गई और राजनीतिक पारा जो है वो साथ में आसमान पर आ गया है। रात भर लोग सोए नहीं और अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में जोड़ तोड़ गुणा भाग गणित वोटों का जोड़ने का सिलसिला जारी रहा। लेकिन अब वो घड़ी आ गई सुबह से मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें आपको देखने को मिल रही है। दोनों पार्टियां के जो वर्कर्स हैं वो खामोश तरीके से मतदान कर रहे हैं, कोई भी बोल करके दावा करने के पक्ष में नहीं है। आराम से मतदान कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक मतदान कर रहे हैं। पहली बार शहर में ऐसा देखने को मिल रहा है कि भले ही निर्दलीय हो या पार्टियों के प्रत्याशी हो सब लोग मिलकर के प्रेम पूर्वक आराम से मतदान कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए सबसे खास और अहम चीज़ है कि लोकतंत्र को अगर जिंदा रखना है अपने मत का उपयोग करना है, प्रेम पूर्वक करना है और इसमें किसी प्रकार का भाईचारा खत्म नहीं हो ये उदाहरण आपको शास्त्री नगर में मिल रहा है। जोगियों की दड़ी जो मतदान केंद्र है भाग संख्या 123 और 24 माह शहर के अंदर कहीं कहीं जो है महिलाओं के लिए अलग से बूथ की व्यवस्था की है। वहाँ सारी अधिकारी जो है मातृशक्ति है, महिलाएं हैं, कई यूथ अधिकारियों को लगाया गया है। लेकिन बड़ी संख्या में आज जो दीपावली के ठीक बाद आज दूसरा लोकतंत्र का पर्व है और लोग सुबह सुबह सज धज करके लोकतंत्र के इस यज्ञ में अपने वोट की आहुति देने के लिए घर से निकले हैं। क्या युवा, क्या बड़े बुजुर्ग, माताएं बहने सभी बड़ी संख्या के अंदर अभी लंबी लंबी लाइनें हर बूथ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। बाड़मेर जिले की सातों सीटों पर अगर नज़र डालें तो छुटपुट घटनाओं को छोड़ करके शांतिपूर्ण रूप से मतदान हो रहा है। अफवाहों को अगर छोड़ दें तो कहीं भी अप्रिय घटना के समाचार अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं और जो वातावरण है वो बड़ा ही शांतिपूर्ण तरीके से शहर में मतदान हो रहा है। दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन जो है पूरी तरीके से अलर्ट है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से माकूल व्यवस्था करने के लिए हर जगह पुलिस की भारी संख्या में मौजूदगी और लोगों के अंदर जो है मतदान के प्रति भारी उत्साह देखा गया। लेकिन लोग खुल करके बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर पलड़ा भारी किसका है। ये तो शाम 6 बजे के बाद ही बता पाएंगे कि आंकड़े किस बूथ के क्या है या कितना प्रतिशत हुआ है। लेकिन अभी थोड़ी देर में ही इलेक्शन कमीशन के आंकड़े आ जाएंगे कि अभी 10 बजे तक कितना मतदान हुआ है और 3 तारीख की मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि बाड़मेर की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।